बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है। रात के तकरीबन 2:45 बज रहा है। वो बात ये है कि देखें, अभी रमज़ान आने वाला है। मैं इस वक्त अभी जब यहाँ रोड पर बैठा हुआ हूँ, रात में हम यहाँ आए हुए, हमारे दोस्त आए हुए अमेरिका से, हम कुछ सोशल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आप यकीन करें, हर एक मिनट बाद एक मांगने वाला आ रहा है, हर एक मिनट बाद। आप यकीन जाने, पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के लोग अब कराची उतरना शुरू हो गए, रमज़ान आ रहा है। आप यकीन जाने, एक एक फैमिली जो आ रही है वहां से, जो मांगने वाले प्रोफेशनल गदा करें, ये एक एक फैमिली कम से कम भी महीने का 10-10 लाख रुपए कमा के जाएंगे। क्यों? रमजान का महीना होता है, लोग इबादत कर रहे होते हैं, लोग रोजे रखे हुए होते हैं। आपकी गाड़ी के आगे आगे ऐसा जुमला बोल देते हैं कि आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, ऐसी शक्ल बनाते हैं। आप यकीन करें, हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इस बार फैसला करना है कि चाहे कोई भी आ जाए, कुछ भी कर ले गाड़ी के आगे रोड पे सिग्नल पे, हमने ये पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान, अपनी बिरादरी, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों में ढूंढना है। भाई आप यकीन जाने, खुदा की कसम सच कह रहा हूँ, 300 रुपए वाला 10 किलो आटे का थैला आज 1500 में नहीं मिल रहा है। लोग दौड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारे पेज पर अंबार लगा हुआ, लोग कह रहे हैं खुदा के वास्ते बचत बाजार लगा दो। मैं कहां से बचत बाजार लगाऊं? मैंने 2015 में ग्रैंड एक्सपो की थी, पूरा गुलशन चौरंगी तक जाम हो गए थे, लोगों ने पूरा एक्सपो सेंटर तोड़ दिया था, मैं संभाल नहीं सकता। लेकिन मैं इतना जरूर मशवरा दूंगा भाई, खुदा के वास्ते इन लोगों से बचें, ये खतरनाक तरीन माफिया है। आपसे अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुम्हारे इन रिश्तेदारों के घरों में पैसे नहीं थे, वो जो 30,000 कमाते थे उनके बच्चे भूखे सो रहे थे, तुमने क्यों नहीं गौर किया? तो खुदा के वास्ते रोजाना का पैसा जमा कर ले, महीने के आखिर में दे दें उनको लिफाफे में करके गिफ्ट की सूरत में, एक साथ दे दें, कुछ भी करें अपने रिश्तेदारों ख्याल करना, दोस्तों का। दूसरा एक नया माफिया आया है, वो हर सिग्नल के सिग्नल टू सिग्नल एक ड्रामा चल रहा है। क्या चल रहा है? एक आदमी बहुत अच्छी कंगी टोपी करके और बहुत अच्छा अपना हुलिया करके, कंगी वंगी करके, बाल वाल सेट करके, और उसके बाद ना वो बहुत अच्छे कपड़ों में और यूं करके खड़ा होगा रोड पे, उसके बराबर में बच्चा बैठा होगा, खातून बैठी भी होंगी। आप यकीन करें, वो खातून ना उसकी रिश्तेदार होंगी ना कुछ, सब ठेके में चल रहा है। अब उससे होता है कि हर सिग्नल पे गुजरने वाली गाड़ी उसको देखती बोलती, अरे कोई फैमिली परेशान बैठी, कोई 1000 का नोट देके जा रहा है, कोई 500 को दे जा रहा है। यकीन करें, वो ये जो इस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं, बैठते रात 8 बजे के बाद, ये 8 से लेकर और रात 12 बजे के दरमियान कम से कम एक दिन में 20,000 रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं, यानी कि महीने का 6 लाख रुपए सिर्फ आपके जज्बात से खेल के बना रहे हैं। दूसरी अहम बात ये कर रहा हूँ, JDC के जितने भी दस्तरखाने आप नोट कर रहे होंगे, हमने सब कंटेनर्स के अंदर बैठने का इंतजाम कर दिया है। करीमाबाद पे रेस्टोरेंट बना दिया, अंदर बैठ के खाना खाओ। जो रोडों पे रह गए हैं 2-4, वो तंदूर की वजह से, उसमें तंदूर लगे हुए और रोटी बन रही है, जिसको जितना पार्सल चाहिए JDC पार्सल देता है। मैंने अपने डोनरों से बात की है कि हमें रमजान में हर दस्तरखान पे कम से कम 30,000 थैली और बढ़ा दो, क्योंकि भाई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कोई भी आए, वो जितना पार्सल मांगते हैं हम देते हैं, जितना पार्सल घर लेकर जाओ, कौन चौक पे बैठ के खा सकता है? कोई नहीं खा सकता भाई, हम वो भी बढ़ा रहे हैं। एक अपील और करूंगा, अगर आप सबने इस रमजान साथ दिया हमारा, जो प्रोडक्ट भी, जो चीज भी मार्केट में जखीरा अंदोजों ने रोक कर डबल रेट में बेची, हम एक आवाज देंगे चीज का बाइकॉट, तो आप सबने हमारा साथ देना है। आप यकीन जाने, यही जो मुर्गी या गोश्त अभी 1100-1200 बिक रहा है ना, अगर आपने साथ दिया तो यकीन करें 150 रुपए में कोई शहर में लेने वाला नहीं होगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। भाई तुम कैसे केला बेच रहे हो 500 रुपए दर्जन? भाई वहां से तो तुम केला उठा रहे हो 70 रुपए दर्जन, चलो 80 रुपए दर्जन दे दो। इन तमाम चीजों में आपने साथ देना होगा रमजान में। हम इन माफियाज का मुकाबला करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे, लेकिन इस चीज का असम उठा लें, रोड पर जो भी मांग रहा है एक रुपया नहीं देना है, अपने खानदान में ढूंढे, रिश्तेदारों में ढूंढे, बरादरी में ढूंढे, पूछा जाएगा उनका आपसे, भाई ये माफियाज हैं, मैं क्या बताऊं, तो मुकद्दस मकामात तक पहुंच जाते हैं मांगने के लिए, और ऐसी ऐसी एक्टिंग, ऐसे ऐसे ड्रामे, पासपोर्ट गुम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब माफियाज हैं, करोड़ों रुपए कमा कमा के वापस आते हैं, यहां पर भी इनको कोई शर्म नहीं है। खुदा के वास्ते फैसला करें, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं जिस हद तक मुमकिन हो, फैसला है तो फैसला है, किसी को नहीं देना भाई, बरादरियों को ढूंढो, खानदानों में ढूंढो, दोस्तों को। यकीन करें, खुदा की कसम, लोग सिर्फ ये ढूंढते फिर रहे हैं कि मैं, मेरा महीने का बजट 4,000 का था, 4,000 का राशन कहां से आएगा, अब तो अगर 5 बोरी आटा लूंगा तो 6,000 इसके बन जाएंगे। लोग मर रहे हैं। इस वीडियो को लाजमी फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर करें, रिट्वीट करें, मैसेज आगे बढ़े, देखें इंशाल्लाह माफियाज का मुकाबला करते हैं, किसी को रेट डबल ट्रिपल नहीं करने देंगे रमजान में।